नमस्कार मित्रों, एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग आगामी परीक्षाओं को ध्यानगत रखते हुए जो पीसीएस प्री की परीक्षा होने वाली है, आरओ एआरओ की भी प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, उसमें करेंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। करीब 30 से 40 प्रश्न होते हैं, तो वर्ष भर के करेंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा जो वर्तमान सेगमेंट चल रहा है वह राष्ट्रीय परिदृश्य से जुड़ा हुआ है। आइए इस पर हम बात करते हैं। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के बारे में क्या महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है और इस पर क्या प्रश्न बनता है। जांच कार्यालय, सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय SFIO द्वारा दायर एक शिकायत को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। भारत सरकार द्वारा स्थापित एक कारपोरेट धोखाधड़ी जांच एजेंसी है। यह क्या है? एक कारपोरेट धोखाधड़ी जांच एजेंसी है जिसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई है। SFIO की स्थापना 21 जुलाई 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य धोखाधड़ी या अपराधों का पता लगाने, मुकदमा चलाने या मुकदमा चलाने की सिफारिश करने वाली एक जांच और कानून प्रवर्तन एजेंसी बनाना है। उसके बाद केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार को जब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 208 के तहत रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर से रिपोर्ट प्राप्त होती है तो SFIO को किसी कंपनी की जांच करने के लिए कह सकती है। अगर FIR दर्ज होता है तो सरकार, केंद्र सरकार SFIO जो कंपनी है, एक जांच एजेंसी है, जो कारपोरेट जो कंपनियां हैं उसमें धोखाधड़ी की जांच करने के लिए बनाई गई है उसको सौंप सकती है। ये रहा पूरा मामला, आइए इससे संबंधित एक प्रश्न को देखें। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके 5 ऑफिसेस हैं। कहां कहां हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। इसके 5 कार्यालय हैं, वह कहां कहां हैं इसको आप बताइएगा। कब इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया 2015 में, वह तारीख कौन थी इसके बारे में भी आप बताइएगा। आइए इससे संबंधित एक प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। जो गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन के बारे में बताना है। जब भी हम प्रश्न सॉल्व करें तो हमें देखना चाहिए कि प्रश्न में सही पूछ रहा है या गलत। यह गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है, बिल्कुल गलत। कंपनी अधिनियम 2013 ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को वैधानिक दर्जा प्रदान किया है, बिल्कुल सही बात है। SFIO के पास कंपनी कानून के उल्लंघन के लिए लोगों को गिरफ्तार करने का भी अधिकार है, बिल्कुल सही। केवल पहला हमारा जो कथन है कि गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है, यह बिल्कुल गलत है। बाकी दोनों जो कथन है कि कंपनी अधिनियम 2013 ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को वैधानिक दर्जा प्रदान किया है, और दूसरा जो कथन है कि SFIO के पास कंपनी कानून के उल्लंघन के लिए लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार भी है, दोनों सही है। इसलिए विकल्प हमारा भी सही हुआ, केवल 2 और 3। ये रहा आज का हमारा टॉपिक। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।